देखिए, एक बात हम सब लोगों ने माननी चाहिए कि ये इस प्रकार के घटना के बारे में अगर किसी ने गंभीरता से लिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, मोदी जी के सरकार ने लिया है। पहले ही टर्म में सुषमा जी थी तो बलात्कारियों को फांसी देने का कानून भी यही पार्टी और गत पार्लियामेंट के सेशन में ही हम लोगों ने लाया, और गलत करने वालों के ऊपर, चाहे फिर बलात्कारी हो या तो और अन्य अन्य प्रकार के कांड करने वालों के ऊपर शिकंजा कसने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी के सरकार ने किया है। और ये हथरस के कांड में भी मैं आपको बताता हूँ कि सुओ मोटो सीबीआई इंक्वायरी भी योगी जी ने डिक्लेयर कर दिया, नहीं तो विपक्ष के लोग तो चिल्लाते रहते थे, कोई भी सरकार, किसी की भी एक पार्टी की सरकार होती है तो दूसरे पार्टी के लोग सीबीआई की इंक्वायरी रास्ते से लेकर तो विधानसभा और लोकसभा तक चिल्लाते रहते थे, लेकिन कभी होता नहीं था। लेकिन ये आपने देखा होगा इस बार योगी जी ने स्वयं सुओ मोटो सीबीआई इंक्वायरी भी मांगी। अब दूसरी बात आप कर रहे होगा बस, और कानून किस प्रकार का सख्त किया जाता होगा। जो भी बुद्धिमान लोग चर्चा करेंगे, जो भी मार्गदर्शन करेंगे, मोदी जी तो एक कदम और आगे आकर कायदा बनाने में मानने वाले व्यक्ति है। इसलिए कायदा अभी जो बना हुआ है बलात्कारियों को फांसी देने का, लेकिन उसके बारे में भी प्रोसीजर तो पूरा करना ही पड़ेगा। टाइम लिमिट हम लोगों ने कम कर दिया, फांसी की सजा कर दी, टाइम लिमिट कम कर दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रकार के लोगों को सजा हो, ये तो सारा कर लिया है। लेकिन कानून कभी भी कोई भी अंत नहीं होता है, बदलते हुए समय पर उसके ऊपर अमेंडमेंट हुआ करता है। जिस प्रकार की भी अमेंडमेंट की चर्चा लोग चाहेंगे वो करने के लिए मोदी जी की सरकार हमेशा तत्पर रहती है और हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।